भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दिशा दिखाया है, जो इतने साल के बाद भी मिसाल साबित हुआ है। कोरोना के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखते हुए पूरी दुनिया को ताकत दिखाने की ज़रूरत है। भारत ने लॉकडाउन का उदाहरण पूरी दुनिया में पेश किया है। लोगों ने देश हित में अपनी जिम्मेदारी ली है और आगे भी यह भाईचारा जारी रहेगा। कोरोना ही नहीं, कोई भी शक्ति भारत को कमज़ोर करने की ताकत नहीं रखता। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपील पर अब लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा, किस दिशा पे आज तो महात्मा अंबेडकर जी का जन्मतिथि है, उसी का आज मनाए हैं हम लोग। और ये गर्व की बात है, हम लोग का जो भारत ऐसे लोकतंत्र आज तो दुनिया में सबसे आगे खड़े हैं, उसी के श्रेय श्री डॉक्टर अंबेडकर जी को गया है। इनका जो दिया हुआ संविधान है, आज उसी से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम ही लोग ऑफिसर लोग भी बनाए उस पर, जो लोकतंत्र का मजबूत कराने के लिए इनने एक दिशा दिखाया है, इतने साल के बाद भी वो मिसाल साबित हुआ है। इनको याद रखिए, ये एक महापुरुष है, उनके जन्मतिथि है। और आज कोरोना को बीच में भी हम लोग याद रखने के बहुत ज़रूरी है, ताकि एक लोकतंत्र का ताकत दुनिया में क्या है वो दिखाने के लिए एक मौका है हम लोग का। ताकि लॉकडाउन कितने बड़ा देश भी प्रयास किया करने के लिए, भारत ने कैसे किया है ये एक उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, ताकि यहाँ का जो हम नागरिक है, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी हम लोग ऊपर लेते हैं देश हित में। भले तो किसी का रोज़मर्रा का बहुत ज़रूरी हुआ होगा, तमाम परिवार बटी हुई है, अपने अपने घर से कोई बीवी अलग है, बच्चे अलग है, कहीं तो उनका माँ बाप अलग है, फिर भी उन लोग संभाल रहे हैं देश हित में और नागरिक का सहयोग करने के लिए है। ये आगे हम लोग ये भाईचारा जारी रखेंगे। कोरोना नहीं है, और कोई भी शक्ति भारत को कमज़ोर करने का ताकत नहीं रखता है।